नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत त्यागी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन पिटारा। भारत के गांव सीरीज के अंतर्गत अभी हम आपको लेकर आए हैं मेहरोली विलेज। सामने आप देख रहे हैं ग्राम मेहरोली। इसकी ग्लोबल और लोकल कनेक्टिविटी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ग्लोबली कैसे कनेक्ट होता है मेहरोली विलेज। ये भारत देश के उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले के अंदर, मेरठ ही ब्लॉक के अंदर मेहरोली विलेज आता है। यहाँ पे लोकली कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, गांव की रीच कैसे हो सकती है। ये जो गांव है करीब, मैं आपको बता देता हूँ, मेरठ से परतापुर, मेरठ जिला परतापुर होते हुए करीब परतापुर से 3 किलोमीटर आप अंदर आते हैं तो ये मेहरोली विलेज है। ये मिनी कैनाल है जहां पर हम अभी बैठे हुए एंट्री पॉइंट पे। इधर जो ये रोड आती है ग्राम सोरखा से आती है, अंजोली सोरखा छजूपुर होते हुए। इधर से हम अंजोली सोरखा छजूपुर और मोदिमपुर और मोदीनगर वाली रोड पे पहुंच सकते हैं, जो कि मोदीनगर NH 34 से मोदिमपुर, अपर गंगा कैनाल से मोदिमपुर NH 34 पर कनेक्ट होती है। तो ये दो तरफा कनेक्टिविटी हमने आपको बताई है। इसके अलावा ग्राम मेहरोली के जो ग्राम प्रधान है, मौजूदा ग्राम प्रधान, वो श्री गंगाराम जी हैं। यहाँ के जो विधायक हैं, मौजूदा विधायक सोमेंद्र तोमर जी हैं, राजेंद्र अग्रवाल जी MP हैं यहाँ के जो सांसद होते हैं। इसके अलावा यहाँ की जो पोलिंग है वो मैं आपको बता देता हूँ। करीब 2500 के आसपास मेहरोली विलेज की पोलिंग या अनुमानित डेटा है जो कि गांव के निवासियों से हमें पता चला है। इसके अलावा जो एक्चुअल यहाँ की पॉपुलेशन है करीब 3500 से 4000 के आसपास एक्चुअल पॉपुलेशन है। इसके अलावा गांव के अंदर की जो सुख सुविधाएं हैं वो हम आपको बताएंगे। गांव की व्यवस्थाएं क्या है, गांव के अंदर की रोड का स्ट्रक्चर क्या है, गांव के अंदर की बाकी बिजली पानी की फैसिलिटीज क्या है वो आपको बताएंगे। तो ये सारी चीजें हम आपको दिखाएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि ग्राम मेहरोली के अंदर हम बने हुए हैं जो कि मेरठ परतापुर होते हुए केवल 3 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है विलेज मेहरोली। मेहरोली बड़ा गांव है। यहाँ के कुछ स्थानीय निवासी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि गांव की व्यवस्थाओं के बारे में, कितना पुराना है गांव और गांव के इंटरनल स्ट्रक्चर, उसकी व्यवस्थाओं से वो कितने संतुष्ट है वो आपको बताएंगे। सर, आपका नाम हमारे दर्शकों को बताइए और गांव की व्यवस्थाओं के बारे में बताइए। जी, मेरा नाम भारत है, मैं मेहरोली ग्राम का निवासी हूँ। और जो है यहाँ पे काफी अच्छा माहौल है गांव का, तो बिजली भी अच्छी आती है, 18 घंटे आती है। और जो है यहाँ के रास्ते वगैरह भी काफी अच्छे हैं और गांव के मुकाबले। जो है हमारे यहाँ पे काफी पुराना ये कैनाल है। एजुकेशन में बहुत आगे है हमारा गांव और बहुत सारे ऐसे काम है। क्या यहाँ पे सीन है स्पोर्ट्स का, प्लेग्राउंड वगैरह है गांव में? यहाँ पे कोई ऐसा ग्राउंड वगैरह नहीं है। ग्राउंड की व्यवस्था होनी चाहिए गांव में बेसिकली ना। ग्राउंड बाकी हमारे यहाँ पे कोई ऐसी कमी नहीं है, सब कुछ अच्छा प्रोग्राम है यहाँ पे। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं ये मेहरोली विलेज के अंदर की व्यवस्थाएं। आप ये देख रहे हैं टावर, आप देख रहे हैं टेलीफोन टावर, एडवांस केबलिंग जो कि नई टेक्नोलॉजी है। इलेक्ट्रिसिटी के किसी भी तरीके के एक्सीडेंट को ये रोकती है, प्रोहिबिट करती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं इंटरलॉकिंग सड़कें, मेहरोली विलेज की बेहतरीन व्यवस्थाएं। ये इंटरनल व्यू आप देख रहे हैं, देखिए एडवांस केबलिंग, कितने मोटे मोटे केबल्स यहाँ पर लगे हुए हैं पॉल्स पे। किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिसिटी का कोई फॉल्ट्स का वगैरह का कोई खतरा नहीं है। इंटरनल व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है और यहाँ के गांव के लोग काफी संतुष्ट हैं गांव की व्यवस्थाओं से। मिनी कैनाल आपने देखी जो कि सिंचाई के लिए, किसानों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था है। इसके अलावा मेरठ से बहुत ही पास कनेक्टेड है, प्रतापपुर से केवल 3 किलोमीटर, उस वजह से गांव बहुत ही ज्यादा सुव्यवस्थित और बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड। यहां पे आप देखें RCC रोड्स, बड़ी पक्की चौड़ी नालियां, वाटर ड्रेनेज की बहुत अच्छी फैसिलिटी। आप देखिए कितनी बड़ी बड़ी सोलर पैनल लाइट्स और स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं, चारों दिशा में लाइट्स लगी हुई हैं, चार चार स्ट्रीट लाइट्स एक जगह पर हैं। बड़ा मंदिर गांव का, मेहरोली विलेज, मेरठ जिला, मेरठ ब्लॉक, प्रतापपुर से 3 किलोमीटर मेहरोली विलेज के अंदर हमने आपको घुमाया। ये बड़ा मंदिर शिव मंदिर, बहुत मान्यताएं हैं इसकी। यहाँ पर लोगों की मन्नतें पूरी होती है, भगवान हनुमान और माता रानी की मूर्ति यहाँ पर स्थापित है। इसी के साथ मेहरोली विलेज के यात्रा को हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे और आपसे गुजारिश करते हैं कि इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ हम आपको लेकर चलते हैं किसी दूसरे विलेज की यात्रा पर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।